अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अपना चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग मज़े में होंगे, अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे होंगे और सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, तो वही हुआ कि मेरे पास कोई आइडिया नहीं था फिर इस पर मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन मेरे पास ना एक बहुत ही मज़े का ना एक ना मतलब एक स्टोरी, एक वाक्या था, मैंने सोचा मैं ना आपसे शेयर करती हूँ। तो हुआ पता क्या हुआ, ये था कि मैं ना लाहौर गई हुई थी, मेरी शादी के बाद की ही बात, बल्कि पिछली सर्दियों की बात है। अच्छा, मैं ना अपने घर गई हुई थी लाहौर, तो वहाँ हम ना कैफ़े कहानी गए, मैं, मेरी छोटी सिस्टर छोटी सिस्टर थी और दो फ्रेंड्स और थी साथ में। अच्छा, तो हम ना वहाँ कैफ़े कहानी गए ना, हम लोगों ने ऑर्डर किया, हम लोग बैठे थे, तो क्या कहते हैं ना, एक ना लड़कों का ना ग्रुप आया, वो ना हमारे साथ आके बैठ गए, मतलब थोड़े फासले पे सीटिंग थी, वो वहाँ बैठ गए। उनमें से ना एक बंदा नहीं, दो तीन बंदे थे, वे पी रहे थे ना वो शीशा, वो क्या होता है यार, छोटा सा, अच्छा जो भी होता है यार, अच्छा वो पी रहे थे। तो मैं ना बैठी थी, उनमें जो एक लड़का था ना बहुत छिछोरा था, वाहियात किस्म का। अच्छा, वो जब धुआं निकाल रहा था ना मुँह से, तो वो मेरे वाली साइड पर आ रहा था ना, मैंने ऐसे उसकी तरफ देखा है, मैंने कहा यार लग तो अच्छा भला रहा है, मतलब ड्रेसिंग पर्सनैलिटी वगैरह सब ठीक थी, अच्छी थी, अच्छे घर का लग रहा था, पढ़ा लिखा भी लग रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा तो मैंने उससे कहा एक्सक्यूज़ मी भाई, ना आप ज़रा उधर होके पी लें, धुआं मेरी तरफ आ रहा है। फुल इग्नोर, मुझे इग्नोर कर दिया उसने। अरे झड्डो, अच्छा इग्नोर कर दिया उसने, तो दोबारा से स्टिल वो वही हरकत कर रहा है। मैंने ना फिर ज़रा ऊंची आवाज़ में ना ज़रा लहजा चेंज करके मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, आपको नज़र नहीं आ रहा, मैंने एक दफ़ा आपको मना भी किया है, आप ज़रा साइड पे होके पी लें। जब मैं उससे ये बात कर रही थी ना, उसके साथ वाले लड़के ने ना उसकी तरफ देखा, मुझे लगा ये इसे समझाएगा, उसे कहेगा यार लेडी जब तुम्हें कह रही है कि आप साइड पे हो जाओ तो तुम साइड पे हो जाओ, क्योंकि वो सारा जो ग्रुप था ना काफ़ी अच्छे खासे मुझे पढ़े लिखे और अच्छी फैमिली के लग रहे थे। बट वो दूसरे लड़के ने भी ना सुना है, तो उसने भी वेब पीने शुरू कर दिया और दोनों ने धुआं हमारी तरफ छोड़ना शुरू कर दिया ना। इतना गुस्सा आया, मैंने तीसरी दफ़ा कहा, मैंने कहा आपको समझ नहीं आई कि मैंने कहा क्या, तो आगे से कह रहा हवा से ना इधर को आ रहे हैं। इतना गुस्सा आया ना मुझे, मेरा दिल किया मैं चाय वाला कप उठा के इसके मुंह पे मारूं और मैं कहूं ये भी हवा से आया, बट कोई नहीं। अच्छा, उसके बाद मैंने ना इग्नोर किया, मैं ज़रा साइड ऐसे चेंज करके ना मैं बैठ गई हूँ, तो वो ऊंचे ऊंचे ना कह के लगाने शुरू हो गए। यार मतलब इतनी बदतमीजी, वो दिखने में अच्छे खासे थे, अच्छी खासी फैमिली के लग रहे थे, मैं बार बार ये बात दोहरा रही हूँ क्योंकि वो सच में अच्छी खासी फैमिली के लग रहे थे। अच्छा, उन्होंने एक दूसरे के हाथ पे हाथ मार के कह के लगाने शुरू कर दिए और ऐसे मुझे ना काफ़ी बुरा लगा, और धुआं स्टिल इधर, पहले एक बंदा था फिर दो वे फिर तीन, धुआं स्टिल इधर आने लग गया। मैंने सोचा जहन में, मैंने कहा यार कुछ इनकी तबीयत दुरुस्त करनी चाहिए, तो मैंने पता क्या किया, मैंने पहले थोड़ा सा खांसा। अच्छा जी, मैंने खांसना शुरू कर दिया। जब मैंने खांसना शुरू किया ना, उनमें से एक ने ना ज़रा नोटिस किया ना, थोड़ा ढीला पड़ गया। मैं क्या, वाह आइडिया असर कर रहा है। लेकिन वो जो दूसरे दो थे ना, वो बाज नहीं आ रहे थे, मैंने कहा इन्हें भी मैंने सबक सिखाना है यार। फिर मैंने क्या किया, मैं ऐसे गिरी टेबल पे, छाए छाए पड़ी थी, हाथ लगा सारी गिर गुर गई, मैं टेबल पे गिर गई हूँ अपन बेहोश, एक्टिंग में सच्चे में नहीं, मैं बेहोश हो गई हूँ। पूरे कैफी कहानी को पढ़ वक्त नहीं गया। अच्छा, सारे इकट्ठे वो लड़के हैरान परेशान, वो ऐसे खड़े हैं भुट बन के, ओ माय गॉड ये क्या हुआ। मेरे साथ मेरी सिस्टर, उसकी दो फ्रेंड जो थी ना, फ्रेंड नहीं हमारी कज़न है, फ्रेंड भी हैं। अच्छा, साथ में वो जो थी ना, उन्होंने जो रोला डाला है, रुमाइजा तू तो बहुत रोला पाया थी कसमें। उसने तो एकदम से मेरा नाम लेके इतनी जोर से, वो फिल्म में उसकी तरह, उन्हें उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ, मैं ड्रामा कर रही हूँ, उन्हें रियल में लगा कि मुझे कुछ हो गया। सुने तो जो मेरा नाम लेके रोला, मुझे ऐसे ऐसे हिला रही है, कुछ मुझे अंदर ही अंदर हंसी आ रही है, मैं कह नहीं कंट्रोल कंट्रोल।
अभी भी सोचती हूँ मुझे बहुत हंसी आती है जिस तरह से वो कर रही थी। अरे मायजा भी ना यार कसम से। अच्छा थोड़ी देर बाद ना पानी के छींटे छींटे मारे हैं ना मुझ पर, मैं उसके बैठ गई। उन लड़कों उस ग्रुप ने वो सीटिंग ही छोड़ दिया, वो चेयर्स छोड़ के ना वो दूसरी साइड पे जाके ना दूर जाके बैठ गए। अच्छा वहाँ पे फिर रुमाइजा को मैंने कहा, मैंने कहा तुम्हें क्या हुआ था? कहती क्या मतलब? मैंने कहा मैं सब सुन रही थी। मतलब ये बातें हम डिस्कस करने लगे हैं ना तो मुझे मेरी हंसी रोक ही नहीं रही थी। होते 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 ना हंसी मेरी थोड़ी ज़्यादा हो गई, मैंने जोर से हंसना शुरू कर दिया। जोर जोर से हंसना शुरू किया तो सारे कैसे कहानी वाले मेरी तरफ देखने के, बीबी होने तो लम्बी पई थी, बेहोश हुई थी, हूने भी हो गया, मतलब ठीक है अब ये। जब मैंने हंसना स्टार्ट किया ना उन लड़कों ने भी नोटिस किया, उन्हें पता लग गया कि मैंने ड्रामा किया था। जब मैंने देखा ना उन्होंने नोटिस कर लिया, उस टाइम ना थोड़ा मुझे भी हुआ, मैंने कहा हूँ मेरी खैर नहीं, क्योंकि कैफे कहानी का वो जो मैनेजर था ना, वो जो लड़का था, वो भी मुझे ऐसे देख रहा था, गुस्से में देख रहा था ना। मैंने कहा लो मैं तो गई। अच्छा मैंने थोड़ी हंसी कंट्रोल की, आराम से होकर ना मैं बैठ गई, बट तब तक उन्हें पता लग चुका था कि मैंने टोटली ड्रामा किया था। अच्छा मैं आराम से होकर बैठ गई हूँ, उन लड़कों ने वो लड़के वहाँ से उठे हैं फिर से आके वहीं पे बैठ गए, और फिर जो उन्होंने ड्रामे शुरू किए हैं हंसना, और मतलब आपस में बातें करते हैं जैसे टोंट मारता है ना बंदा, वो सब मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उठ के खड़ी होगी, मैंने कहा क्या बदतमीज़ी है ना ये। मैंने कहा हमने आपको कहा, मैंने क्या कहा है? मैंने कहा सब समझ आ रही है तुम्हें, तमीज़ नहीं है? मैंने कहा गर्ल्स के साथ किस तरह से मतलब बात करते हैं, किस तरह से उन्हें ट्रीट करते हैं। मैंने कहा जंगली हो, मैंने कहा तुम्हारी शक्ल से लग रहा है कि तुम लोग पढ़े लिखे हो, अच्छी फैमिली से हो। मैंने कहा लेकिन अंदर से तो तुम बिल्कुल गधे हो। मैंने कहा मुझे आज पता लग रहा है अच्छी ड्रेसिंग कर लेने से ना इंसान अच्छा नहीं हो जाता। मैंने कहा बहुत बुरे हो यार तुम, तो जंगल से उठ के आ गए हो क्या? जंगल से आए हो और आज से ही अच्छी ड्रेसिंग करके तो यहाँ पे आ गए ताकि लोगों को लगे कि तुम लोग अच्छे हो, लेकिन अंदर से तुम लोग बिल्कुल बिगड़ी हुई, बिल्कुल बिगड़े थे वो, तो बहुत गंदे थे। उनमें एजिड बंदे भी थे, इतने एजिड भी नहीं थे, ये कोई 30 से ऊपर के होंगे। उन्होंने भी उन्हें नहीं समझाया। मुझे हैरत है, मतलब कहीं ऐसा कुछ होता है ना तो कोई तो समझाने वाला होता है, वो सारे बिगड़े हुए थे, मैं कोई भी नहीं था। काश मेरी ये वीडियो उन तक पहुंच जाए और उन्हें थोड़ी सी शर्म आ जाए, उन्हें पता लग जाए लड़कियों के साथ कैसे कैसे बात करते हैं। बहुत गुस्सा आया था मुझे। अच्छा फिर क्या वहाँ पे, फिर वो मैनेजर आया, उसने कहा बीबी तू आप सीट चेंज कर ले। मैंने कहा मैं क्यों करूँ, ये बदतमीज़ी कर रहे हैं, मैंने कहा इनकी सीटिंग चेंज करवाओ। बट मुझे लगता है वो ना अमीर लोग थे, इसलिए वो बेचारा उन्हें भी कुछ नहीं कह सकता था। उन्होंने कहा आप मेरी बात समझें, आप साइड पे आ जाएं, आप सिटिंग चेंज कर लें। फिर मुझे रुमाइजा वगैरह ने समझाया, अनू ने समझाया, कहते चल छोड़ तुम ना सिटिंग चेंज कर लो। गुस्सा तो मुझे बहुत था, मेरा दिल कर रहा था मैं चाय के कप उठा के ना इन सब के मुँह पर मारूँ, इनके कपड़ों पर गिराऊँ, ये जो अच्छी ड्रेसिंग की हुई ना ये सारी ख़राब हो जाए इनकी, मुसल्ली गई इनके। अच्छा जब मैंने कहा सीटिंग क्या चेंज करनी है, यहीं से चलते हैं, खा पी तो हमने लिया था वैसे ही, हम लोग उठे हैं ना। हाय जब मैं कैफे कहानी से निकल रही थी, लोग जैसे मुझे देख रहे थे यार, मुझे नहीं पता वो मुझसे इम्प्रेस हुए थे या मुझे ये देख रहे थे कितनी बड़ी ड्रामा हुई ना ये लड़की। बट जो भी था, लेकिन एक बात है, मुझे एक बात जो बहुत बुरी लगी ना, ठीक है अगर मैंने ड्रामा भी किया था, ओके हो गया ना मैं गलत हूँ, मैंने ड्रामा किया था, बट यार जो उन लोगों की हरकत थी वो भी बिल्कुल ठीक नहीं थी। जब मैंने एक दफ़ा उन्हें मना किया, 3 दफ़ा मैंने उन्हें मना किया, उनके साथ जो दूसरे लोग थे वो उन्हें मना कर सकते थे, वो कह सकते थे कि आप ना करो। मैंने ड्रामा किया, मेरी जगह अगर कोई और लड़की होती और उसे सच में सांस की प्रॉब्लम होती, दमा होता या ऐसा कुछ भी, अल्लाह ना करे, तो फिर वो सच में बेहोश हो जाती, उसकी तबीयत सच में ख़राब हो जाती, तो ऐसे जो जंगली लोग हैं ना उन्हें सोचना चाहिए, जो पैसे की ताकत पे ज़्यादा अकड़ते हैं ना। और ये वो लोग होते हैं जिनके पास नई नई दौलत आई होती है, ये जद्दी पुश्ती अमीर लोग ऐसी हरकतें नहीं करते। वो क्या एक शेर था, शायरा का नाम तो मुझे याद नहीं है, उनका शेर था, उन्होंने कहा था कि जो ख़ानदानी रईस हैं वो नर्म रखते हैं मिजाज अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। बस वही हाल उनका था, नई नई दौलत थी, नशा जड़ा हुआ था,
बात करने की तमीज़ नहीं थी। यार किसी तरह मेरी ये वीडियो पहुंचा दो उन लोगों तक प्लीज़, याद तो होंगी मैं उन्हें, भूली तो मैं भी नहीं होंगी उन्हें, फिर कोई नहीं। अच्छा हाँ चलिए ख़त्म करें इसी के साथ। लेकिन मैं अभी भी जब भी सोचती हूँ मुझे हंसी के साथ साथ अफसोस भी होता है, बहुत अफसोस भी होता है। उन्होंने अगर ऐसे नहीं किया, वहाँ जो दूसरे लोग बैठे थे कम से कम उन्हें कोई कुछ कहना चाहिए था, बट उन्होंने भी नहीं कहा। ठीक है आजकल वैसे भी लोग यही सोचते हैं कि भाई हमारा मामला तो नहीं है ना, जिनका मामला है खुद सॉर्ट आउट कर लें, ऐसा होना नहीं चाहिए बट ऐसा होता है, क्या कह सकते हैं। थूक उठे गया पे, हाँ तो क्या कह सकते हैं, मर्जी सबकी। हाँ एक दफ़ा फिर से थैंक यू सो मच उन लोगों का जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं टिकटॉक पे। प्लीज़ 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 वही लोग मुझे यहाँ पे भी सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और क्या कहते हैं लाइक कमेंट लाजमी कर दिया करें, और थैंक यू सो मच। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। थैंक यू।